Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Another week, another video. इस वीडियो में मैं लोकली अवेलेबल मेकअप ट्राई करने लगी हूँ जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल भी है और बहुत अफोर्डेबल भी है. सबसे पहली चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ब्यूटीफाई बाय आमना का फेस प्राइमर है. ये प्राइमर बहुत पॉपुलर, बहुत जल्दी हो गया है, बहुत अच्छा प्राइमर है, अफोर्डेबल भी है एंड इट मेक्स योर मेकअप लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम. बीबी क्रीम जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फेयर एंड लवली की और ये बीबी क्रीम आई थिंक इज़ द बेस्ट बेबी क्रीम अवेलेबल इन द मार्केट. सिर्फ 120 या आई डोंट नो 200 रुपये तक की ये क्रीम है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है. इट गिव्स अ वेरी वेरी नेचुरल फिनिश. आई रियली लाइक इट. जो ब्रशेस मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए वो मुझे एक इंस्टाग्राम पेज ने भेजे थे तो मैं उस इंस्टाग्राम पेज को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूंगी. ज़रूर चेक करें. ब्रशेस की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल भी हैं. रियल टेक्निक्स ब्रशेस की कॉपी हैं मगर क्वालिटी में आई वुड गिव इट अ 10/10. जो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो गोल्डन रोज़ का है, शेड नंबर 55 है. गोल्डन रोज़ अफोर्डेबल ब्रांड है काफ़ी. जो पाउडर है उसमें कवरेज बहुत ज़्यादा है सो अगर मैं बीबी पी क्रीम यूज़ करती हूँ और उसके ऊपर ये पाउडर यूज़ करती हूँ कवरेज काफ़ी अच्छी आती है. सो नोज़ कॉन्टोर के लिए मैं लशेस कॉस्मेटिक्स की ये आईब्रो किट यूज़ करती हूँ एंड आई बिन यूजिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई रियली लाइक दिस किट. अगेन जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो इंस्टाग्राम पेज का है विच इज़ डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. For the eyebrows, I'm using a slightly different product. I'm using this Zoosh Makeup ka brow pomade and this is in the shade dark chocolate, jo ki dark brown color hai. Maine iske sath iska brush bhi kharida magar brush is okay. I wouldn't like recommend it if you already have an angled brush, but jo brow pomade hai, it is amazing. Matlab ye aapki eyebrow ko ek nayi life deta hai as you can see in the video. I really enjoyed using it and I would highly recommend it. Itna mehenga nahi hai. I think 400 balki nahi 900 rupees iski price thi. Under eyes ke niche I'm using my trusty Rimmel Match Perfection concealer. Ye concealer Sensations pe available hai. Ye concealer Dolmen Mall Tariq Road ki makeup cosmetic shop pe available hai aur bahut sari different shops pe available hai jahan pe Rimmel cosmetics milti hain aur main usko apne powder ke sath set kar rahi hu. Now this eyeshadow palette is what I got from beautyjoint.com. ये एक कुरियन ब्रांड की आई शेडो पैलेट है. ब्रांड का नाम मुझे नहीं पता, हर चीज़ कुरियन में लिखी है. आई रियली लाइक दिस. बेसिकली जो मैं करना चाह रही थी वो ये था कि टू क्रिएट अ वेरी सॉफ्ट लुकिंग आई. तो बहुत ही लाइट कलर से मैंने शुरू किया और फिर थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के स्मोक आउट करती गई यूजिंग अ डार्क ब्राउन कलर. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पैलेट इज़ इसके अंदर बहुत फ्लैश टोन कलर्स हैं तो आप एक बहुत अच्छा नेचुरल स्मोकी इफेक्ट अचीव कर सकते हैं इस पैलेट के साथ. जो अपनी मैं लिट्स पे यूज़ करूँगी वो एक बहुत नया प्रोडक्ट है जो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है. इट इज़ दी गोल्डन रोज़ आई शेडो पेंसिल. नाउ ये जो आई शेडो पेंसिल है मुझे लगा थोड़ी सी हार्ड थी क्योंकि मुझे बहुत ड्रैग करना पड़ा इसको अपनी आँख के ऊपर और थोड़ा स्ट्रेच करके मैंने इसको लगाया. बट क्वालिटी वाइज आई वुड गिव दिस एन 8/10. प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा मुश्किल है इसको अप्लाई करना. वंस अप्लाइड इसको ब्लेंड करना बहुत आसान है. आप इसको अपनी उंगलियों से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर एक फ्लैट ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं. मैंने लशेस कॉस्मेटिक्स का आई शेडो ब्रश इस्तेमाल किया है. ये लगाने के बाद आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं थोड़ा सा और अपनी आँख को स्मोक आउट करूँ. सो आई एम जस्ट यूजिंग अ डार्कर कलर फ्रॉम द पैलेट और वो मैं अपनी आई के लोअर लैश से लेके और एक स्मोकी इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ. The mascara I'm using is Golden Rose Perfect Lashes Maxi Curl Mascara and it says it is made in Turkey, so that's great. इस mascara का wand is 100 out of 10. I'm not joking. बहुत आसानी से मैंने इसको apply किया है. बहुत लंबी lashes को ये curl करता है और I just really like it. Okay, now this brand Makeup Revolution is my favorite brand in the whole world. First of all, ये एक international makeup brand है. Second of all, ये बहुत एक inexpensive international makeup brand है. And third of all, easily available. Dolmen Mall Tariq Road में इसका एक outlet भी है. And it is a copy of Charlotte Tilbury. And I really like Charlotte Tilbury. मगर sadly बहुत महंगा है Charlotte Tilbury. तो Makeup Revolution से काम चला लेते हैं. जो ब्लश है वो भी गोल्डन रोज का है. इट इज़ इन द नंबर 207 और ये एक ऑरेंजी रोजी कलर है. इसकी कवरेज मुझे बहुत पसंद है. बहुत पिगमेंटेड भी नहीं है और बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन. बहुत ईजी ब्लेंड हो जाता है और बहुत नेचुरल लुक देता है.
फाइनली द स्टार ऑफ द होल शो इज मेकअप रेवोल्यूशन का विविड शिमर ब्रिक इन पिंक किस एंड दिस इज माई फेवरेट हाइलाइटर. अगर आप लोगों को एक बहुत ही नेचुरल हेल्थी सॉफ्ट ग्लो अच्छी लगती है देन दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर बाइंग. आई थिंक इसकी प्राइस मे बी 800 टू 900 थी, 100% कन्फर्म नहीं है. अगर मिल गया तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी. बट अगर आपको एक प्रोडक्ट मेकअप का मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, कुछ ना लें मगर ये लें, इट इज़ दैट मेकअप प्रोडक्ट, आई लव इट. लिप्स पे भी मैं गोल्डन रोज की एक लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ देयर शीयर शाइन लिपस्टिक और मुझे ग्लोई चीज़ें बहुत पसंद हैं आजकल, सो दिस इज़ अ वेरी ग्लोई लिपस्टिक. So this was the finished look. Hope aapko ye review video pasand aayi ho, and if yes then subscribe to my channel, give it a big thumbs up, share it with your friends, watch my other videos, and now I will soon see you in my next video. Bye.